नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। नटेरन केवट ने भगवान श्री राम के पैर पखार कर नाव में बिठाकर करवाया गंगा पार। केवट ने नाव के द्वारा भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता को करवाया गंगा पार। नटेरन से 8 किलोमीटर दूर ग्राम सेऊ में विगत दिनों से चल रहे रामलीला मेले में आज सोमवार को केवट संवाद की लीला का स्थानीय कलाकारों द्वारा शानदार मंचन किया गया। रामलीला समिति के सदस्यों द्वारा रामलीला प्रांगण के नज़दीक बने तालाब में नाव के द्वारा भगवान राम लक्ष्मण सीता को नाव के सहारे गंगा पार किया, लीला का शानदार मंचन किया गया। लीला के दौरान भगवान राम लक्ष्मण सीता वन गमन के दौरान गंगा पार करने के लिए केवट से कहते हैं कि हे केवट, हमें गंगा पार करा दो। केवट ने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक शर्त है, सबसे पहले मैं आपके चरण धोकर ही नाव में बिठाकर गंगा पार कराऊंगा। भगवान केवट की यह बात मानते हैं और केवट द्वारा भगवान श्री राम के पैर पखारे जाते हैं और भगवान राम लक्ष्मण सीता को केवट द्वारा गंगा पार कराई जाती है। इस सुंदर लीला को देखने सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन रामलीला प्रांगण में उपस्थित रहे। खबर समय जगत के लिए नटेरन से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।